नमस्ते दोस्तों, आज हम आईपीयू के बीटेक एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। अगर आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको आईपीयू सीईटी एग्जाम के बारे में जानना जरूरी है। यूनिवर्सिटी इस एंट्रेंस एग्जाम को करती है। एक बार आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग कैसे होती है। स्टेप एक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आपको आईपीयू की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करना होगा। अपनी डिटेल्स ध्यान से भरें और रजिस्ट्रेशन फीस पे करें। रजिस्टर करने के बाद आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा। स्टेप दो, चॉइस फिलिंग। अपने क्रेडेंशियल्स से लॉगिन करें और अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स भरें। इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने ऑप्शन अच्छे से रिसर्च करके प्रायोरिटी के हिसाब से भरें। ये एक बहुत जरूरी स्टेप है, इसलिए इसके लिए टाइम लें। स्टेप तीन, सीट अलॉटमेंट। आपकी रैंक और प्रेफरेंस के आधार पर यूनिवर्सिटी सीट्स अलॉट करेगी। आपको ऑफिशियल वेबसाइट से नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको मनचाही सीट मिल जाती है तो बधाई हो, अगर नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, आप अगले राउंड्स में हिस्सा ले सकते हैं। स्टेप चार, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सीट मिलने के बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बताए गए सेंटर्स पर जाना होगा। अपने सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे मार्कशीट, आईडी प्रूफ और बाकी सर्टिफिकेट्स साथ लेकर जाएं। स्टेप पांच, फीस पेमेंट। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाने के बाद अपनी सीट कंफर्म करने के लिए आपको एडमिशन फीस भरनी होगी। फीस की रसीद संभाल कर रखें। अंत में कॉलेज में रिपोर्टिंग। सब कुछ हो जाने के बाद आपको बताई गई तारीख पर अपने अलॉट किए गए कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। ओरिएंटेशन में जाएं, अपने साथियों से मिलें और एक रोमांचक अकादमिक यात्रा के लिए तैयार हो जाएं। बस हो गया। आईपीयू का बीटेक एडमिशन के लिए काउंसलिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को ध्यान से फॉलो करेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। सबको शुभकामनाएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं। बाय।